हेलो एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं टाटा पार्क। ये मेरे साथ प्रभात आया है, हम और प्रभात एक और दोस्त जिसका नाम आशीष है। तो अभी हम आशीष के घर जा रहे हैं, उसको रिसीव करेंगे, उसके बाद वहाँ से हम लोग टाटा पार्क निकलेंगे। तो ब्लॉग बने रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब जाते हैं आशीष के घर, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो भाई लोग, हम लोग आशीष के घर आ चुके हैं। ये आशीष के घर जा रहे हैं, बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, ये रहा आशीष, इसके घर आ गए हैं। ये देखिए लबड़ा चटनी। तो गाइस, इसका खाना पीना हो गया, अब हम लोग थोड़ी देर में निकलने वाले टाटा पार्क की। और ये देखिए गिटारिस्ट। ऐसा बजा रोड पे कोई भीको नहीं देगा। तो गाइस, अभी दरवाजे के घर से निकल चुके हैं। देखिए जा रहे हैं प्रभात की गाड़ी से। तो ब्लॉग में बनी रहेगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमको सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आयरन लड़ चुटवा। तो गाइस, देख सकते हैं, ये जो देख रहे हैं आप, ये है चलता फिरता यमराज। कहीं भी चलिए, रोड में चलिए, इससे सेफ रहिए। भाई पास ले रहा है मेरा भाई अभी। देखो तेरी आँखों का काजल ना फैले अब कभी। तो आशीष, पार्क खुलेगा? पार्क तो अभी बंद है, चलिए आगे देखते हैं क्या हो रहा है। पार्क का मैनेजर को कॉल करना पड़ेगा। ये है, ये मैनेजर की मैनेजर है, ये मैनेजर अपने घर का मैनेजर है, पार्क का नहीं, समझे गाइस। तो गाइस, अभी पार्क खुला नहीं है, खुलेगा तो हम एंटर करेंगे। ये देखिए पार्क की तरफ जाते हुए रोड देख रहे हैं, इसका इसका चाचा का रोड है, देख रहे हैं गाइस, देख सकते हैं। तो ब्लॉग में नहीं रहेगा। मन से कर रहे हो, तो चलते अभी अंदर, खुलेगा तब स्टेडियम। नहीं खुलता की चाचा, नहीं खुलने की चाचा। हेलो, देख सकते हैं चाचा आ गए हैं, गार्ड चाचा गेट खोल दिया है। हम लोग चाह रहे हैं तो चलिए गाइस। तो गाइस, प्रवेश द्वार खुल गया है पार्क का, तो हम जा रहे हैं अंदर। फोन में क्यों बात करता है, पार्क में बात भी किया जाता है। तो गाइस, हम लोग फाइनली एंटर कर चुके, पीछे देख सकते हैं गाइस, ये देख सकते हैं भेलपुड़ी। भेलपुड़ी जो खाएगा वो पछताएगा, जो नहीं खाएगा वही पछताएगा। कैसे है, ठीक है? तो गाइस, ये देख सकते हैं, ये है वाटरफॉल जो आज तक कभी चालू नहीं होता है। सिर्फ थोड़े ही समय के बाद जैसे थोड़ा सा टर्न डाउन होगा ना, ये स्टार्ट होगा। गाइस बहुत अच्छा ये सीन है, कलरफुल सीन है। तो गाइस, फाइनली हम एंटर कर चुके हैं पार्क में। पार्क जस्ट अभी खुला है, इसलिए खाली खाली है। पीछे देख सकते हैं ग्राहक लोग आ रहे हैं। तो ये क्या है भाई? तो ये हम बहुत दिन के बाद यहाँ पे आए हुए हैं, तो सब कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस लग रहा है। कोई नहीं, पुराना मेमोरी सब ताज़ा हो गया। तो ये देखिए संडे हो गया है, आया हुआ संडे को भी ये काम कर रहा है। देखिए जाट जाट लोग आ रहे हैं, सरदार जी लोग पीछे। हाँ, बोले ना एक दिन वेट करने, कल स्टाइल मुझे बहुत पसंद है, हम करवाते हैं ना, लेकिन हमको पसंद नहीं है। सबकी अपनी अपनी चॉइस है गाइस। पेड़ पर चढ़ना मना है, तो कृपया करके पेड़ पर ना चढ़। तो यही है हम लोग का पुराना पार्क, जबकि हम लोग यहाँ पर रनिंग करने आते थे सुबह में, तो दौड़ते थे पार्क में, दौड़ते थे पार्क में कि पार्क में आके रेस्ट करते थे। इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग संडे को रोड पे दौड़ने रनिंग के लिए जाते थे, तो ये संडे को सुबह भी खुलता है, शाम में भी खुलता है, तो हम लोग सुबह में यहाँ चिल करने के लिए आते थे। पर डे मॉर्निंग में खुलता है। अच्छा, अब पर डे हो गया है, अब पर डे हो गया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ संडे को खुलता था हमारे ज़माने में। ये बच्चा के ज़माने में ऐसा हो गया है। हाँ चलो, अब पर डे सिर्फ मॉर्निंग में खुलता है। अगर आप लोकल के झरिया के तो यहाँ पे आ सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है बिरदुआ? लाइन बाजी यहाँ पे कर चुका है गाइस, ये पक्कल बुढ़ा है, बोलते हैं ना गाइस। जैसे हम लोग का भी एज नहीं हुआ, लेकिन गाइस इसको देख के बोल सकते हैं, हम लोग दोनों में से सीनियर है।
पता नहीं लोग क्या बोल रहा है, मेरे समझ के परे है, लेकिन जो भी है सच बोल रहा है। यहाँ लोग घूमने कम और आशिकी गिरी करने ज्यादा आते हैं। वैसे हम लोग ब्लॉग बनाने आए हैं। अगर शॉर्ट वर्ड में बोले तो ये है कपल पॉइंट। हाँ, बिरसा मुंडा पार्क के बाद ये सेकंड नंबर आता है कपल के लिए जो फेमस है। तो अभी आपको कुछ थोड़े देर में आपको हम दिख टाटा पार्क को हमारे टाटा बिरला साहब ने बनाया था, ये तो सबको मालूम है। देखो गिर रहा है, थोड़े देर में आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या होता है। देखिए गाइस, यही बनाए थे इन्होंने ही इधर गाइस लगाए। देखिए चचा पार्क का निर्माता जो हमारे बीच अब नहीं रहे, यही है सर डोरब जी, इन्होंने ही टाटा पार्क को बनाया। देखिए गाइस क्या लिखा हुआ नाम पढ़िए गाइज, मुझे पढ़ने तो नहीं आती लेकिन फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। तो ये हमारे भी चचा अब नहीं रहे तो बहुत दुख की बात है। ये देखिए यहाँ कपल गिरी स्टार्ट हो गया। हाँ बच्चे लोग खेल रहे हैं, ये देखिए ये बच्चा अभी अपना पैर ऊपर करेगा। करो 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 गाइज, ये टॉप पर गया है। ये देखिए है हमारे जामल झारखंड का कला। देखिए ये देखिए मोगली को देखिए। ये देखिए गाइस, ये है छोटा मोगली। देखिए इसे सिर पे चोट लग गया है, फिर भी मोगली गिरी करना नहीं छोड़ा। ये देखिए अभी ट्रेनिंग ले रहा है इसका। देखिए ये देखिए गाइस, हमारा बड़ा मोगली अभी लटकेगा। मोगली का पापा कुछ आवाज आया ना सर? हाँ तेरा फटने का। चलो चलो चुप देखते। अरे हम सुन रहे हैं, मैं इधर ही हूं। ओएमजी, ये टाटा पार्क में ये भी भाई। देखिए भाई ये बोल रहा है कि देखिए गाइस, देखिए गुस्सा कर रहा है, गुस्सा कर रहा है। वीडियो नहीं बनाइए इसका। और यहां पर घरवा था इधर में मतलब बंद कर टूट गई। तो गाइस अभी पार्क में देख सकते हैं अच्छे खासा भीड़ हो गया है। सुन ना, अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं पार्क के। यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है, ये लड़का अपने मोबाइल में धुन है और हम लोग बोर हो रहे हैं। देख रहे गाइस, खुद का धब्बा मेरे पे लगा रहा। नहीं नहीं झूठ बोल रहा, झूठ बोल रहा है। तो ब्लॉग बनी रही है मिस्टर जैन के साथ। तो गाइस हम लोग दूसरा रूट की ओर बढ़ चुके हैं मिस्टर जैन के साथ। जैन अपनी गर्लफ्रेंड की तलाश में निकल चुका है। तो हम लोग कोशिश करेंगे जयंत का जल्दी से जल्दी उसका गर्लफ्रेंड मिल जाए, जो इसको बुलाइए मिलने के लिए पार्क में। और इसके पीछे से हम लोग लग्घा बन के आए हैं इसका गर्लफ्रेंड से मिलवाने के लिए। तो इस ब्लॉग में हमारे साथ बने रहें। मिस्टर जयंत अपनी गर्लफ्रेंड की तलाश में उसकी गर्लफ्रेंड ने ऊपर उसको बुलाया है। अच्छा उस रास्ता से इसकी गर्लफ्रेंड बुलाई है, सीढ़ी पे चढ़ के आने के लिए बुला है इसको। और ये अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने सीढ़ी पे चढ़ के जाएगा। आइए गाइस, चल चल भाई, चल 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 जल्दी चल। पर इधर तो आ गया पर कहीं नजर नहीं आ रही, नजर नहीं आ रही है। उरे वही है ना रे, उछड़िए पीछे के बैठे रे। इसका माल किसी और के चक्कर में लग रही है हमको जहाँ तक। तो गाइस बेसिकली अगर देखा जाए तो पार्क में कुछ नहीं है, ये छोटा मोटा घास फूस है, ये जंगल झाड़ है, नॉर्मल सा पार्क है और कुछ नहीं है। पार्क का दूसरा एग्जिट है। हाँ इधर दूसरा एग्जिट है। तो गाइस दोनों नालायक देखे, दोनों नालायक को देखे। तो अभी हम लोग खोजते खोजते थक गए, पर इसकी गर्लफ्रेंड अभी तक नहीं मिली हमको। नहीं मिली इसकी गर्लफ्रेंड, इसको टोपी दे दिया। तो गाइस अब हम लोग इस टाटा पार्क से बाहर निकलने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि जयंत का गर्लफ्रेंड अभी तक हम लोग को मिला नहीं है। बहुत खोजे हम लोग और इसका गर्लफ्रेंड कब से इसको परेशान किए कि इधर है उधर है लड़की, इसकी गर्लफ्रेंड मिल ही नहीं रही है। देखो इतनी सारी लड़की मिल रही है। इसको टोपी दे दिया है और
ये लड़का तो पागल हो गया उसके पीछे और बार में ना, ये ट्विटर में हाँ फेसबुक से मैसेज की थी इसको कि टाटा पार्क आइएगा मिलने, हमको जहाँ तक लग रहा है कोई लड़का इसको इसके साथ फ्लर्ट किया है, मामू बनाया है इसको। एंजल प्रिया नाम की, अरे एंजल प्रिया था वे, अरे तो सासी सुबह का आइडिया था वे, आज साल इसके साथ प्रैंक को किया। गाइस कल सारे देखिए इसका मामू बन गया ये, इस लड़का का लग चुका है जबकि आशीष ने इसका इसके साथ प्रैंक किया। भैया झाड़ी में छुपकर सब मौज कर, इसकी मान होगी गाइस, इसके गर्लफ्रेंड ने अब झाड़ी में बुलाया। गाइस ये देखिए गाइस, ये तो खेती हो गया यहाँ, तो देखिए यहाँ फूल के जगह लड़की खिल रही है बागों में, बहुत अच्छा अच्छा नज़ारा मिल रहा है देखने के लिए। और हमारे ब्लॉग में बने रहें, मस्ती से अलग ही रहें, यहाँ देख रहे बहुत से हसीन आए हैं, खूबसूरत खूबसूरत ये लोग लगा हुआ है देखने के चक्कर में। और हमारा जैंट दोनों खड़ा है भाई बन के, आशीष भी है, हम लोग भी तलाश में थे पर हम लोगों को मिला नहीं। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, बस आज के लिए बस यहाँ। तो गाइस अभी हम लोग येलो ड्रम जा रहे हैं पार्क होते हुए, ये पार्क का यहीं पे हम ख़त्म करते हैं जल्दी। तो गाइस कहाँ पे हम लोग आ रहे थे, एरोड्रम आ रहे थे लेकिन एरोड्रम मिला नहीं। ये देखिए कहाँ हम लोग आए, जन्नत में आ गए। ये लड़का खुद पता नहीं कहाँ है, हम लोग को लेके आ गया। देखिए कितनी दूर आ चुके हैं हम लोग, इन जगह वैसे अच्छा मानना पड़ेगा। तो गाइस हम लोग कहाँ आए हैं, हेलो ड्रम आ चुके हैं। देखिए पे हवाई अड्डा बना था पर रेडी नहीं हुआ, परमिशन नहीं मिला। यहाँ पे हवाई अड्डा यहाँ पे बन चुका था लेकिन चालू नहीं हुआ। यहाँ का रनवे आप देख सकते हैं, इतना खतरनाक सीन लग रहा है। ये प्रभास एस्केलेटर देते हुए तो गाइस ये है हेलो ड्रम जो कि चालू नहीं हो पाया, एयरपोर्ट बन रहा था यहाँ पे। देख रहे रनवे अच्छा खासा है, लैंडिंग हो सकता है लेकिन यहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग कराया जा सकता है लेकिन आज तक हुआ नहीं एक भी। तो ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, ब्लॉग पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हमको सपोर्ट जरूर कीजिएगा, इसको भी देखिएगा ये चुतिया को, ये चुतिया नंबर टू मेरा भी चैनल है लेकिन सपोर्ट नहीं कीजिएगा, हमको कीजिएगा आपको फ़ायदा होगा, आपकी मर्जी। नहीं नहीं कीजिएगा बच्चा, ब्लॉग कहीं गर्म करते हैं, नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद जय भारत, टाटा बाय बाय बाय।